आरती शिंदे, नमस्ते डॉक्टर, मेरा 6 महीने पहले एबॉर्शन हुआ है, तब मुझे ओवरऑल टैबलेट्स दिए थे, लेकिन ओवरऑल टैबलेट्स बंद किए हुए 3 मंथ्स हुआ है, लेकिन अभी तक बच्चा रुका नहीं है, तो प्लीज़ बताइए कि क्या करें। तो आरती जी, अगर आपने एबॉर्शन करवाया है तो एबॉर्शन करवाने के बाद आप मतलब ओवरऑल टैबलेट बंद करने के बाद आपको पीरियड रेगुलर हो गया, तो अगर आपको पीरियड्स रेगुलर आ रहा है तो इसका मतलब आपको प्रेगनेंसी रुकेगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको प्रेगनेंट आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका अबॉर्शन क्यों हुआ था, तो अबॉर्शन क्यों हुआ है वो जानकारी आप ले लीजिए। उसके लिए आप एक ब्लड टेस्ट करवा सकते हो, एक टॉर्च टेस्ट करके आता है, तो वो एक आप टेस्ट करवा लीजिए। टॉर्च कॉम्प्लेक्स, ये एक तरह का इन्फेक्शन होता है लेडीज़ में, और कभी कभी ये इन्फेक्शन क्लियरली दिखता नहीं है, तो इसलिए लेडीज़ को ये कंप्लेंट होती है कि बार बार उनका अबॉर्शन हो रहा है। तो वो टेस्ट का नाम है टॉर्च कॉम्प्लेक्स। अगर आपको नहीं पता चले तो ये वीडियो के बाद आप मेरे क्लिनिक के नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो, उसका स्पेलिंग है TORCH। ये वाला ब्लड टेस्ट आप करा लीजिए, उसमें कोई भी गड़बड़ी होगी तो वो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स नॉर्मल दवाई से ठीक हो जाएगी, और उसकी ट्रीटमेंट होने के बाद जनरली बच्चा रुकता है। दूसरी एक बात, आपका थायराइड का चेकअप करा लीजिए, अगर आपको थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी बच्चा रुकता नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपको अगर आप मोटे हो या अगर आप ओवरवेट हो तो अपने वजन को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, तो उससे डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी रुकेगी। इसके अलावा और कोई आपको इश्यूज है तो उसके लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो। मुझसे किस तरह से कंसल्ट करना है उसके डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वो आप पढ़ के मुझे कंसल्ट कीजिए।